हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। हरियाणा में हरियाणा सरकार के द्वारा और लेबर वेलफेयर बोर्ड के द्वारा एक नई स्कीम है वो चलाई जा रही है, जिसका नाम है फ्री स्कूटी योजना। इलेक्ट्रिक स्कूटी है वो आपको मिल सकती है या आप 50,000 रुपये ले सकते हैं। यदि आप इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं और इसके फॉर्म अभी भी भरे जा रहे हैं, यदि आप इसको जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी और अन्य स्कीम की जानकारी मैं समय समय पर लेके आता रहता हूँ। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेशन में सभी को पता चल जाए और सभी लोग इस योजना का बेनिफिट है उठा सकें। तो फटाफट से इसकी डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा इसका नोटिफिकेशन है वो निकाला गया है, और इलेक्ट्रिक स्कूटर योजना फॉर द डॉटर ऑफ ए रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर अंडर द लेबर डिपार्टमेंट। तो भाई, जो रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन यानी कि जो मकान वगैरह बनाते हैं ना, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनके लिए है ये, और उनकी बेटियों के लिए ये स्कीम है। ठीक है, डॉटर के लिए स्कीम है, बेटियों के लिए स्कीम है, ठीक है। और इसके जो फॉर्म है वो आपके भरे जा रहे हैं, 15 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे और अभी भी भरे जा रहे हैं। ठीक है, योजना का नाम क्या है? फ्री स्कूटी फॉर गर्ल्स। और डिपार्टमेंट कौन है जो ये जो फायदा दे रहा है? वो है लेबर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। ठीक है, 50,000 रुपये आपको कैश मिल सकते हैं या फिर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी है वो मिल सकती है। फॉर्म आपको ऑनलाइन तरीके से जमा करवाने हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पे नेट से आपको फॉर्म भरने हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, हरियाणा लेबर .gov.in। ठीक है, पेमेंट कब मिलेगी दोस्तों? 100% आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली अप्रूव हो जाएगा, तब आपके खाते में आपकी जो पेमेंट है वो आपको रिसीव हो जाएगी अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है दोस्तों। ठीक है, केवल वे छात्राएं जो हरियाणा राज्य के किसी उच्च शिक्षण संस्थान या कॉलेज में पढ़ रही है इस प्रोत्साहन सहायता के लिए पात्र होंगी। ठीक है, जो हरियाणा के किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है केवल वही लोग इसमें भाग ले सकते हैं। केवल लड़कियां, श्रमिक की पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, तो 18 से ज्यादा एज होनी जरूरी है। ठीक है, विवाहित नहीं होनी चाहिए, अनमैरिड गर्ल ही इस स्कीम का बेनिफिट है वो उठा सकती है, और उसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास में होना चाहिए। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, नोटिफिकेशन है, उसके ऊपर चलते हैं। तो ये लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा की वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पंजीकृत निर्माण कर्मकार की पुत्री के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद के लिए प्रोत्साहन स्कीम। दोस्तों, रियल है, फेक नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। स्कीम किसके लिए है ये चीज आपको समझनी पड़ेगी इस चीज से। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री के उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु, दोस्तों बेटियां ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सके, इसलिए ये प्रोत्साहन राशि है वो दी जा रही है सरकार के द्वारा, लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, 50,000 रुपये भी ले सकते हैं या आप फिर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी है वो भी ले सकते हैं। शर्त क्या क्या है? 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए दोस्तों, कॉपी बनती है वो कॉपी आपके पास में बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, और रेगुलर रूप में रेगुलर पढ़ाई कर रही हो, ठीक है, तो आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। केवल वही छात्रा जो हरियाणा राज्य के किसी उच्च शिक्षा संस्थान में पढ़ाई कर रही हो। ठीक है, श्रमिक की पुत्री की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और अनमैरिड होनी चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों। श्रमिक के परिवार के किसी सदस्य के नाम पहले से ईंधन से चलने वाला या इलेक्ट्रिक वाहन नहीं होना चाहिए, तो ही आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। इस योजना
के अधीन प्रोत्साहन सहायता एक परिवार में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की है वो खरीद आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आपके परिवार में दो बेटियां हैं तो दोनों के फॉर्म आप भर दोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आवेदक इलेक्ट्रिक स्कूटर के खरीद का बिल प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने से 1 महीने की अवधि तक ऑनलाइन अपलोड करना है, ठीक है, अन्यथा उसकी भविष्य में कोई भी स्कीम का बेनिफिट है वो नहीं दिया जाएगा। कई बार क्या होता है कि आप स्कीम के फॉर्म तो भर देते हो, आपने 50,000 रुपये ले लिए वहां से और आप फिर स्कूटी आप लेके नहीं आए बेटी के लिए, तो यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, 1 महीने के अंदर आपको जो है बिल अपलोड करना पड़ेगा वेबसाइट पे, तभी आप आगे की जो बेनिफिट है, और भी बेनिफिट मिलती रहती है लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा, तभी आपको आगे की बेनिफिट है वो मिलेगी। यदि आप ये बिल अपलोड नहीं करोगे, आप पैसे खा गए, तो आपको बेनिफिट है आगे वो नहीं दिया जाएगा। 1 साल मिनिमम आपकी कॉपी पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, ये अंडरटेकिंग है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं ये अंडरटेकिंग भी आपको भरनी है, इसको अपलोड करना है, और ये वर्क स्लिप है ये भी आपको यहाँ पे दिखानी है। तो यदि आप इन चीजों से जुड़े हुए हैं, लेबर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो आपके गांव में आपके शहर में जरूर कोई ना कोई इससे रिलेटेड काम करता होगा, जो कॉपी वगैरह बनवाता होगा या फॉर्म भरता होगा, या आप डायरेक्ट किसी सीएससी सेंटर पे जाके भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्कीम थी भाई। आगे भी इस चैनल के ऊपर आपको स्कीम वगैरह की, योजना वगैरह की जो है वीडियो मिलती रहेगी, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।